ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਾਫਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ कि जिन्नी देर तक केंद्र सरकार काले कानून वापस नहीं ले लेंदी उदो तक किसान इसे तरह ही धरने ते डटे रहेंगे, जिस दे चलदे अज सारी कांग्रेस पार्टी दी समूची टीम वल्लों गवर्नर दा घिराओ कीता जावेगा अते नाल ही उन्हां कहा कि आउण वाले 26 जनवरी नूं जो भी किसान जथेबंदियां वल्लों प्रोग्राम उलीकिया जावेगा उस लई असीं दिल्ली जाण लई तैयार हां। लगभग 50 दिन हो गए हैं कि साढ़े किसान भरा जो है धरने पर बैठे है और कोशिश कर रहे हैं और सारे का यह इच्छा हैगा कि जो तक खेती रद्द नहीं होंगे उदों तक वापस नहीं होगी। उसी कड़ी भी अच्छा पंजाब सरकार वालों जिते हर समय जोड़ा है इतना तिना खेती कानूनों का कांग्रेस पार्टी वालों जो तिने खेती कानूनों का जो सिरे तो विरोध किया जा रहा है और समय समय से रेजिस्ट्रेशन वगैरह किए जा रहे हैं। अज भी वो कड़ी में जिते अब बीपीसी की मीटिंग भी रखी गई हैगी उस ही अब कांग्रेस पार्टी वालों प्रोग्राम बनाया गया है केंद्र सरकार दल नीतियों के खिलाफ और ना ही जो है कि खेती कानूनों के खिलाफ जो है वो मुझली तौर पर रद्द करने वास्ते गवर्नर साहब का खिलाफ करने वास्ते जा रहे हैं। तो मैं ये सारे ही जिते अज आप सारे जानते हैं कि जिते अज खेती कानूनों के संबंध में पूरे देश में जी लहर बन चुकी है उसी कड़ी में अच्छ जिते असी चंडीगढ़ सारे जा रहे हैं उसके नाल ही अब बहुत वही पद्धर से जोड़ा है ट्रैक्टर की जी रैली की जा रही है कि जिस अपने पिंडों लगभग सारे पिंडों जो 5-5-10 ट्रैक्टर जोड़े आके इस रोस्थान जोड़ा है वो जाहिर करेंगे और आने वाले समय में जो भी प्रोग्राम दिखाया जाऊगा उसके संबंध में 26 जनवरी को चंडीगढ़ दिल्ली भी जाना पड़ा तो बेचक भी पेड़ भी जाना पड़ा तो उसके भी हिस्सा लेंगे। तो मेन मकसद सारे का यही है कि वो तो वो जो केंद्र सरकार जी हर तक सुती पई हैगी और खास करके साडे प्रधानमंत्री मोदी जी जो सुते पे ने उन्होंने जगाना है हैरानी की गल है कि सारी दुनिया भी ये खिलाफ जी लहर उठ चुकी हैगी पर फिर भी जी है मोदी सरकार हैगी इन्ना अडानी अमानी जो पूंजीवाद परिवार है उन्होंने फायदा देने वास्ते जो है हजे भी वजिद हैगी है। मैं उम्मीद करता कि परमात्मा की कृपा के नाल गुरु महाराज की कृपा के नाल इन्हों सब वजी आने वाले समय में जो कि तिने कानून रद्द करके जो है किसानों का जो एजिटेशन उन्होंने शांत करके जो है और किसानों के भले वास्ते जो है कानून पास किए जाए। धन्यवाद जय हिंद। इस संबंधी जानकारी दिंदिया ब्लॉक कांग्रेस दे शहरी प्रधान संजीव बुग्गा ने कहा कि यह जो बीजेपी सरकार है लोकां नूं मारन वाली सरकार है जो कि 60 दे करीब किसान धरने विच शहीद हो चुके हन जिस दा खामियाजा मोदी सरकार नूं भुगतना पवेगा। अज फगवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस वालों सरदार बलविंदर सिंह धालीवाल जी की रहनुमाई दे विच चंडीगढ़ दे विच जो मोदी सरकार ने किसानां नाल और किसानी के नाल जो धक्का किया जिहड़े 3 कानून पास किए विरोध के अज गवर्नर का जिहड़ा घिराओ करना अज सरदार बलविंदर सिंह धालीवाल जी की रहनुमाई दे विच बहुत वड्डा काफला फगवाड़े दे विचों जा रहा और मैं समझदा कि जिहड़ी ये मोदी सरकार आ बीजेपी की सरकार आ ये लोकां नूं मारन वाली सरकार क्योंकि लोकां नूं मारन ते तुरी हुई आ किथे उत्थे बच्चे जनानियां बंदे बजुर्ग सारे उत्थे बैठे आ और ये मोदी साहब ये नहीं पता भी इन्नी ठंड के बच्चे किदा वो उत्थे धरने दे रहे और किदा दिन रात गुजार रहे हैं और मैं समझदा इदा का जड़ा कह सकते हैं भी माड़ा प्रधानमंत्री देश नूं जड़ा निर्दयी आ और जड़ा लोकां दे 60 तकरीबन 60 दे करीब जड़ियां लोकां दीआं जानां उत्थे जा चुकियां जिहड़े किसान शहीद होए आ और उन्हां दी जड़ा ये खमियाजा इस मोदी सरकार नूं भुगतना पऊगा। अज उहदे विरोध दे विच सरदार बलविंदर सिंह धालीवाल जी साडे जिहड़े फगवाड़े तों MLA साहब आ उन्हां दी रहनुमाई च बहुत वड्डा काफला जिहड़ा इत्थों गवर्नर दा घिराओ करन चंडीगढ़ जा रहा और मैं समझदा कि जिद्दां दे हालात चल रहे आ मोदी सरकार दीआं जड़ां किसान जिहड़े आ उखाड़ फेंकणगे। बहुत बहुत धन्नवाद जय। फगवाड़ा तों यश शर्मा दी रिपोर्ट।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਪੀਟੀਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਰਵਿਸ ਵੈਰੀ ਯੂਡਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੋ ਫਾਈਲ ਇੱਥੋਂ ਬਿਟੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਵਾਓ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਆਲਸੋ ਹੈਪੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਸੋ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਟ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦ ਇਨ 5 ਡੇਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗੀ। बड़ी खुशी वाली गल आ। प्रभु कृपा नाल अज असीं यूके दे 12 वीजे लते ने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब नूं कंग्रेस करना चाहूंगा। आफ्टर लॉकडाउन हुण तक असीं 72 यूके स्टूडेंट वीजा लै चुके ने। साडा सक्सैस रेट 100% आ। जेकर तुसीं अपने स्पाउस ते अपने बच्चे नाल अपना फ्यूचर यूके वी देख रहे हो ते अपने डॉक्यूमेंट्स लैके तुसीं साडे ऑफिस विजिट कर सकदे हो।